सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जानबूझकर नहीं मारा माँ जी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई है। ये मेरी भी जान लेना चाहती थी। तुम्हारी भी? हाँ कर्नल साहब, इसने मेरी आंखों के सामने विकी को मार डाला है। इसी खंजर से इसने लगातार विकी पर वार किया। जब ये मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने दिल, ये खंजर नहीं है, ये सब्जी काटने वाली छुरी है और इस पर खून की एक भी बूंद नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी आंखों के सामने विकी को मार डाला है। विकी की लाश उस कमरे में पड़ी है। विकी की लाश? अगर आप चाहे तो अंदर जाके चेक कर सकते हैं। या तो कोई लाश नहीं है? लाश तो यही थी कर्नल साहब, बिलीव मी। लाश तो क्या, या खून का एक धब्बा तक नहीं। Oh my God, लाश गायब कहाँ हो गई? ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे, मेरा विकी मर नहीं सकता। हाँ सच, मेरा विकी मर नहीं सकता। अगर विकी मर नहीं सकता तो विकी कहाँ है? बताइए माजी, विकी कहाँ है? वो अक्सर रात भर गायब रहता है। यकीन मानो कर्नल, मेरा बेटा सुबह तक आ जाएगा, वो मर नहीं सकता। माँ जी, विकी वापस नहीं आएगा, वो मर चुका है। मैंने उसकी लाश को यहाँ पर देखा है। किसी ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है, प्लीज मेरा यकीन मानिए। अगर विकी का खून उनकी पत्नी ने किया है तो उनकी लाश किसने ठिकाने लगा दी? क्योंकि नीना को तो आप मार चुके हैं। मैं नहीं जानता कर्नल साहब, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। I'm sorry, Mr. Neil. आपका यह बयान आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हम आपको नीना आहूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मेरा यकीन मानिए कर्नल साहब, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई। It was just self defense. लेकिन वो आपको मारना क्यों चाहती थी? बताइए मिस्टर नील, वो आपको मारना क्यों चाहती थी? आखिर कोई तो वजह होगी। क्योंकि विकी और मैंने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। What? जी सर, कल रात विकी और मैंने मिलकर उसकी लाश को खाई के नीचे फेंका था और विकी ने खुद उसे जहर पिलाकर मारा था। तो आपके कहने का मतलब यह है कि वो मरकर दोबारा जिंदा हो गई? एक बार नहीं कर्नल साहब, कई बार वो मरकर जिंदा हो गई। वो इंसान नहीं थी, कुछ और थी। She was a devil. वो एक प्रेत आत्मा थी। और इसलिए आपने उसको मार डाला? जी सर। प्रेतात्माओं को मारा भी जा सकता है, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं। सर, मैं इतना डरा हुआ था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसी डर में मैंने अपने पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। लेकिन आपको कैसे पता चला वो प्रेतात्मा थी? सर, क्योंकि विकी ने यह बात खुद मुझे बताई है और उसने उसकी लाश 2 महीने पहले देखी थी और जिस जगह उसने वो लाश देखी थी वहां पर एक कब्रिस्तान है जहां पर नीना ब्रिगेंजा की कब्र 5 साल से मौजूद है। नीना ब्रिगेंजा? लेकिन मिस्टर विक्रम आहूजा की पत्नी का नाम तो नीना आहूजा था ना? अरे सर, ये वही नीना थी, नीना ब्रिगेंजा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी। सर, ये कहानी नहीं है, आई प्रॉमिस यू, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात एक मनगढ़ंत कहानी है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। उस कब्रिस्तान में वो कब्र आज भी मौजूद होगी और जाहिर है वो कब्र कहानी की तरह रातों रात गड़ी नहीं जा सकती ना। कहाँ है वो कब्रिस्तान? Thank you.
आइए आइए कर्नल साहब, मैं आपको कब्र दिखाता हूं। यही है वो। क्या हुआ मिस्टर नील? कर्नल साहब, ये नीना ब्रिगेंस की कब्र नहीं है। उसकी कब्र कहां गई? क्या मिस्टर नील, विक्रम आहूजा की लाश की तरह वो कब्र भी गायब हो गई? नहीं कर्नल साहब, मैं कह रहा हूं वो कब्र यहीं कहीं थी। पता नहीं कहां। कौन से कब्र की बात कर रहे हैं आप लोग? नीना ब्रिगेंस की कब्र। नीना ब्रिगेंजा नाम के तो यहाँ कोई कब्र है ही नहीं साहब। अरे तुम्हें कैसे पता? यहाँ के चौकीदार ने हमें वो कब्र यहीं दिखाई थी। अरे साहब, पिछले 2 साल से तो मैं यहाँ अकेला चौकीदार हूँ। मुझे पता है यहाँ कौन दफनाया गया और कौन नहीं दफनाया गया। अरे कर्नल साहब, ये वो चौकीदार नहीं है। वो चौकीदार कोई और था, उसी ने हमें वो कब्र भी दिखाई थी और नीना ब्रिगेंजा के घर का पता भी बताया था। और वो पता शायद तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ कर्नल साहब, मुझे वो जगह अच्छी तरह से याद है। मैं वहां पर विकी के साथ गया था। मैं नीना ब्रिगेंजा की माँ फेनी ब्रिगेंजा से मिला था और उसने मुझे नीना ब्रिगेंजा की एक तस्वीर भी दी थी। तस्वीर? हाँ, और वो तस्वीर बिल्कुल विकी के वाइफ से मिलती थी। यहाँ तक कि विकी की वाइफ के होंठ के ऊपर जो बर्थमार्क था वो भी उस तस्वीर में मौजूद था। और वो तस्वीर नीना ब्रिगेंजा की थी, उस नीना ब्रिगेंजा की थी जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी। तो फिर नीना ब्रिगेंजा की माँ के पास उनकी और तस्वीरें भी होंगी। हाँ हाँ कर्नल साहब। और उनकी माँ ये भी जानती होगी कि नीना ब्रिगेंजा को कहाँ दफना गया था। कर्नल साहब, ये फेनी ब्रिगेंजा का घर। लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे चाय वाला, फैनी ब्रिगेंजा का घर यही है? हाँ साहब, यही घर हुआ। ये स्टॉल तुमने यहाँ कब से लगा रखा है? ये कोई 4-5 बरस होगा बस साहब। तो फिर फैनी ब्रिगेंजा की बेटी नीना ब्रिगेंजा को भी तुम जानते होंगे? फैनी ब्रिगेंजा की बेटी नीना ब्रिगेंजा, कहाँ बात कर रहे हो साहब? साहब फैनी ब्रिगेंजा ने शादी नहीं मनाया तो उनका बेटी कहाँ से आई गवा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे फैनी ब्रिगेंजा ने हमें खुद बताया कि उनकी बेटी नीना ब्रिगेंजा का मर्डर हुआ है। हम 4 दिन पहले उनसे मिलके गए। 4 दिन पहले? कहाँ मजाक करो तो साहब, 4 दिन पहले कैसा मिला था तुम? साहब फैनी ब्रिगेंजा को तो मरे हुए 3 बरस हो गवा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पति का बयान है मिसेस साइमा। आपके पति को तो हॉरर फिल्म का राइटर बनना चाहिए था। क्या कहानी सुनाई उसने। 3 साल पहले मरी हुई एक औरत उसे मिलती है और कहती है कि उसकी बेटी जिसका 5 साल पहले कत्ल हो चुका है वो अब विक्रम आहूजा की बीवी है। विक्रम आहूजा अपनी बीवी का कत्ल करता है, उसके बाद फिर से वो जिंदा हो जाती है और एंड में आपका पति नील नीना ब्रिगेंजा उर्फ नीना आहूजा का कत्ल कर देता है। फंटास्टिक। और वो समझता है कि हम उस कहानी पर यकीन कर लेंगे। लेकिन कर्नल, हो सकता है कि ये कहानी ना हो, हकीकत हो। हो सकता है कि नील को उकसाया गया हो नीना का कत्ल करने के लिए। नहीं मिसेस साइमा, असलियत कुछ और ही है। आपका पति शुरू से ही नीना पर बुरी नजर रखता था और उस दिन विक्रम की गैर मौजूदगी में उसने उस पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और नीना ने गुस्से में आकर चाकू उठा लिया तो उसे भी गुस्सा आया और गुस्से और हवस में अंधे होकर उसने नीना पर गोली चलाई। तो फिर विक्रम कहां गायब हो गया? हो सकता है आपके पति ने उसे कत्ल करके पहले ही ठिकाने लगा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। नील ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ। देखिए, अगर विक्रम सामने आ जाएगा ना तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना। और अगर विक्रम सामने नहीं आया तो? साहब साहब, उस नील ने सुसाइड कर लिया। नील, नील, नील!
हमें आपके पति की मौत का अफसोस है। आखिरकार आत्महत्या करके उसने अपने जुर्म का इकबाल कर ही लिया। उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि आप लोगों के टॉर्चर से घबरा कर अपनी जान ली है। उनकी हत्या हुई है और हत्यारे आप लोग हैं। आप लोग हम आपके जज्बात समझते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद अपने झूठ के जाल में फंस चुका था और वो ये भी जानता था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अगर वो बेगुनाह होता तो क्या विक्रम के आने का इंतजार नहीं करता? शायद आप लोग ठीक कहते हैं लेकिन अब मेरा क्या होगा? एक कातिल की विधवा का कलंक लेकर मेरे लिए शहर में दो कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा। सोचती हूँ कि ये शहर छोड़कर कहीं चली जाओ। रजविश, पुलिस तो ये केस बंद कर चुकी है, आगे आपकी मर्जी। काश काश विक्रम वापस आ जाता और कह देता कि नील बेगुनाह था। कम से कम ये कलंक तो धुल जाता। लेकिन शायद अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो तो मर चुका है। वेलकम सायमा, वेलकम। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। क्या बात कर रहे हो डार्लिंग, इनफैक्ट मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी। अच्छा और नहीं तो क्या। यू नो विकी, नील ने खुद आत्महत्या करके हमारा काम और आसान कर दिया क्योंकि अगर केस चलता तो पता नहीं हमें कितना इंतजार करना पड़ता। हाँ ये बात तो है, बेचारा नील अच्छा दोस्त था। यू नो मेरी हर कहानी पर उसे विश्वास हो गया। मेरी बीवी का मुझसे मिलना, उसका मर्डर होना, किसी बात पर भी शक नहीं हुआ उसे। यहाँ तक कि नीना की लाश को ठिकाने लगाने में भी उसने मेरी मदद की। लेकिन विकी, मुझे तुम्हारी वो ट्रिक कुछ समझ में नहीं आई। वेरी सिंपल स्वीट हार्ट, नीना के ड्रिंक में मैंने बेहोशी की दवा मिला दी थी और नील से कहा कि ये नीना की लाश है और उसके सामने मैंने उसकी लाश ट्रंक में डाली। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेने बाहर गया और वो बेचारा यही समझता रहा कि नीना मर के दोबारा जिंदा हो गई। वाह विक्रम वाह, एक तीर से दो शिकार, वाओ, दिस इज रियली ग्रेट। अपनी पत्नी और करोड़ों की एकलौती वारिस नीना को तो तुमने खत्म करवा दिया और साथ ही नील को भी रास्ते से हटवा दिया। वाओ, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद यू। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या जरूरत थी? मेरे जिंदा रहने पर नील को मुझ पर शक हो सकता था और नीना के कत्ल का प्राइम सस्पेक्ट भी मैं ही होता, इसलिए मेरा गायब होना बहुत जरूरी था। लेकिन जानते हो विक्रम, इस सारे ड्रामे में सबसे हाईलाइट सीक्वेंस कौन सा था? जब नीना ने नील पर हमला किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो शायद नील उसे कभी शूट नहीं करता। मैं जानता था, इसीलिए उस रात। कमाल है, शाम को तो आप ऐसे भड़क रहे थे जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ, कोई भूत हूँ, और अब? अरे वो सब तो नील को डराने के लिए था बस। क्या मतलब? भाई देखो, कॉलेज के दिनों में उसने एक बार मुझे डराया था, आज तक उस बात को लेके वो मजाक में उड़ाता। मैंने सोचा मैं भी इस बात का बदला लूंगा, उसे ऐसा डराऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं? हाँ देखो, वो ये समझता है कि तुम एक प्रेत आत्मा हो। अगर वो ऐसा कुछ देख ले कि तुमने मुझे मार दिया और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। डर के मारे पैंट ना गीली कर रहे तो मेरा नाम बदल दे। लेकिन अरे कम ऑन यार, अपने पति की खातिर तुम इतना सा नहीं कर सकती क्या? ये देखो,
इससे कुछ भी नहीं होगा। ओके। और बाकी का काम तुमने आसान कर दिया उसे पिस्टल देकर। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। काश के नील को ये पता होता कि मरकर कभी कोई जिंदा नहीं हो सकता, कोई नहीं होता है। कोई कोई मरकर भी जिंदा होता है। मेरी तरह नील, तुम जिंदा हो? नहीं, मैं मरकर जिंदा हुआ हूं, जैसे नीना जिंदा हुई थी, जैसे तुम जिंदा हुए हो, मैं वैसे ही। यानी तुम भी मरे नहीं थे? जी हां, मौत का नाटक जो तुम खेल रहे थे विक्रम आहूजा, वो नाटक हमें भी खेलना पड़ा। हमें शक तो उसी वक्त हुआ था जब किसी गुमनाम फोन ने हमें तुम्हारे बीवी के फोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जब कातिल नील था तो फिर कोई तीसरा आदमी गुमनाम फोन करने वाला कैसे जानता था कि कत्ल होने वाला है? वैसे भी नील के बयान से साफ जाहिर था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा झूठ नहीं बोलता जिसका सर पैर न हो। इसलिए हम ये भी समझ गए कि तुमने ही अपनी पत्नी का कत्ल करवाया है नील के हाथों, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए। और जब नील ने हमें बताया कि वो पिस्तौल उसे साइमा ने दी थी, तब मैं समझ गया कि इसमें साइमा भी शामिल है। बस तुम्हारा पैतराम ने तुम पर आजमाया, सामा के पीछे हम तुम तक पहुंच गए। विक्रम, योर गेम इज ओवर।